सर आपको इंडिया आके कैसा लगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये रघुवंश नगर है जी, और मैं कभी बिलीव नहीं किया था कि रघुवंश नगर के ये रहने वाला है। जल्द मैं नेपाल का टूर कंप्लीट करने वाला हूँ और अजय भैया को टाइम रहा तो साथ में हम दोनों निकलेंगे जी हाँ, नेपाल के नहीं, जरूर जो नेपाल का टूर होगा तकरीबन। मैं जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पर मुझे खुद को नहीं लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आज के डेट में मेरा इतना बड़ा चैनल हो गया। सो गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन पर जो कि विदेश से चल के आए हैं, सऊदी अरब से, जो कि सर यहाँ पे अभी आए हैं, तो उनसे अभी देख सकते हैं कि अभी हम सर से मिलना चाहेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं सर बैठे हुए हैं। तो सर आपको इंडिया आके कैसा लगा? देखो इंडिया तो एक मेरा जन्म स्थान है जी, और मेरा जन्म भूमि है जी। अगर हम हिंदुस्तान नहीं आएगा तो कहाँ जाएंगे जी। एक इंसान होता है ना, जब इंसान जिंदा होता है ना, वो एक पंछी होता है जी। अपने रोजी रोजगार के लिए वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी देश में जा करके रोजगार हासिल कर सकता है, और अपने देश तो आना है। मैं आया हूँ, अजय भैया मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था और मिल करके बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये रघुवंश नगर है जी, और मैं कभी बिलीव नहीं किया था कि रघुवंश नगर के ये रहने वाला है। और आज तक मैं अपने किसी भी चैनल पर रिवील नहीं किया हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से। हालांकि मैं एक ब्लॉग चैनल पर रिवील किया था कि मैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सिर्फ एक ही चैनल पर मैं अपना क्लियर किया हूँ। और उसके अलावा जितने भी आदमी जो मेरे ऑडियंस है वो मुझे टारगेट किया कि भाई सदरे भाई आए, और ये भाई काफ़ी दिन से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और आज इनसे मुलाकात हुई। हालांकि मैं यहाँ आया था किसी काम से, तो मैंने कहा मिल लिया और मिल के बहुत अच्छा लगा। सर से मिल के मुझे इतना खुशी हुआ, मतलब बहुत दिन से मैं वीडियो देख रहा था क्योंकि सर का इतना फॉलोवर है, मतलब तीन चार, कितना सर आपका चैनल है? 2 लाख करीब, एक चैनल तीन चार चैनल, हाँ तीन चार चैनल मैनेज करते हैं, वो भी सऊदी अरब में रहते हैं। और सऊदी अरब से जब जाने के आ रहे थे, सर ने वीडियो एक अपलोड किया था कि मैं अभी इंडिया जा रहा हूँ, तो अगर सर मतलब स्टोरी में भी डाल देते कि हम इंडिया आ रहे हैं, तो किसी भी एयरपोर्ट का नाम डाल देते तो सर से मिलने के लिए हम चले जाते। क्योंकि सर अभी देख सकते हैं कि अभी रघुवंश नगर आ चुके हैं और मेरे चौक पे अभी सर देखते हैं कोल्ड ड्रिंक्स ही रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास तीन चार चैनल है जी। मैं सभी चैनल के ऑडियंस को मैं क्लियर नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर मेरा प्रॉपर एक ब्लॉग चैनल है तो ब्लॉग चैनल के ऑडियंस को बोल सकता हूँ, न्यूज़ चैनल के ऑडियंस को बोल सकता हूँ, सर का ऑडियंस चैनल है उस पर मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से इंस्टा पर मैं कोई रील अपलोड नहीं कर पाया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ, अगर मैं किसी टूरिस्ट पैलेस या हिस्टोरिकल पैलेस को टारगेट करूँगा। बहुत सी ऐसी ब्लॉग है मैं शूट किया हूँ, और देखो आगे चल के हो सकता है कि बहुत जल्द मैं नेपाल का टूर कंप्लीट करने वाला हूँ, और अजय भैया को टाइम रहा तो साथ में हम दोनों निकलेंगे जी हाँ, नेपाल क्यों नहीं, जरूर। जो नेपाल का टूर होगा तकरीबन वही 15 या 20 डेज का होगा, और तकरीबन बहुत सी ऐसी वीडियो है, बहुत सी ऐसी टूरिस्ट पैलेस है, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो आप हमारे अजय भैया को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि कुछ करने से इंसान को कामयाबी मिलता है, कुछ करने से बिल्कुल ही नहीं मिलता है। अच्छा सर, यह आपसे जानना चाहेंगे सऊदी अरब में रह करके सर आप इतने 4 लाख फॉलोवर कैसे कर लिए, मतलब वहाँ पे टाइम मिलता था क्या आपको? देखो हर चीज़ का एक नशा होता है, इंसान अगर चाह ले ना कि मुझे इस काम को करना है तो वो इंसान कामयाब है। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे मुझे खुद को नहीं लगा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आज के डेट में मेरा इतना बड़ा चैनल हो गया। तकरीबन मान के चलो कि अभी 5 या 6 साल से मैं बाहर काम कर रहा हूँ जी, और अभी मैं 8 महीने पे इंडिया आया हूँ जी, और इंडिया भी आना बहुत ज़रूरी था, और आते आते हमें लगा कि ब्लॉग भी शूट करना चाहिए और अपना आप में वो इम्प्रूवमेंट भी लाना चाहिए। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ करने के लिए इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, अगर इंसान में जज्बा नहीं है तो वो इंसान कुछ नहीं करता। कहते हैं ना कि लोग कि भाई माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, घर का सपोर्ट नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, तो मैं ये बनावटी कहानी मानता हूँ। अगर हमारे अंदर जोश नहीं है ना तो हमारे माँ बाप या कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के माँ बाप पैसे वाले उसे पैसे दे करके वो आगे दे सके। तो इसलिए आप लोग अपने शरीर में जोश लाओ, अपना आप में वो इम्प्रूव लाओ और अपना आप में वो काबिलियत पैदा करो कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सको, और कुछ करने से इंसान को कुछ हासिल होता है। सर आपका मैंने पहला वीडियो देखा था, मतलब फर्स्ट टाइम मैं आपका वीडियो देखा था, मैंने सोचा कि मतलब मेरे बिहार के नहीं हो सकते क्योंकि सऊदी अरब में रहकर भी अपना वीडियो। एक्चुअली सबसे बड़ी बात, मैं किसी भी कंट्री गया हूँ, दुबई गया हूँ, सऊदी गया हूँ, थाईलैंड, मलेशिया, बैंकॉक, बहुत सारी कंट्री घूमा जी, और आज तक मैं किसी को भी ये क्लियर नहीं किया हूँ कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ।
फर्स्ट ऐसा मेरा ब्लॉग चैनल था कि एक एक होता है ना कि कोई किसी को कुछ पिला दो या उससे सच्चाई उगल लो, तो उस दिन मेरे अंदर कुछ ऐसा एक अजीब सा हुआ था किसी काम को या किसी आपसदारी को अनबन को लेकर के, जितनी सच्चाई थी हमने उस वीडियो में पूरा का पूरा निकाल दिया जो ब्लॉग चैनल जो ये सादरी ब्लॉगर चैनल पर। तो उससे मुझे लगा कि जो अपने ऑडियंस है जो बिहार के रहने वाले उन्हें सुन करके बहुत खुशी हुआ कि भाई कम से कम जो आदमी इतना बड़ा न्यूज़ चैनल के ऊपर काम कर रहा है वो हमारे बिहार के रहने वाले हैं और ब्लॉग चैनल को भी देख रहा है और भी कई चैनल को मैनेज कर रहा है, और मुझे भी बहुत खुशी मिला और बहुत अच्छा लगा। कम से कम मुझे लगा कि हाँ कोई अपने बीच है, कोई अपना। तो सर भैया आपसे ये जानना चाहेंगे सर, जैसे कि विदेश में रह करके मतलब वहाँ का कल्चर को दिखा रहा, एक शुभम नाम का है वो भी पूरा कंट्री मतलब करके देखो वीडियो बना करके ही देखो इंसान करने को कुछ भी कर सकता है, अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते जी, और अगर फेम और कामयाबी के पीछे भागोगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। तो ये इस तरह से मैं तो कहता हूँ कि हर एक युवक जो भी जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे अपने पढ़ाई से रिलेटेड हो या चाहे कोई भी टेक्निकल हो या कोई शॉप हो, अगर उन चीज़ में अगर दिल लगा ले तो इंसान को कामयाबी ज़रूर मिलता है। और कामयाब होने के लिए मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा कि अपने अंदर एक सब्र होना चाहिए और दिल में एक तमन्ना होना चाहिए किसी भी चीज़ को। अब सपोज़ करो मेरे जेब में 10 रुपये नहीं है, तो मेरे अगर माइंड में आए कि मैं 1 लाख रुपये की ख्वाब कैसे देखूँ, 1 लाख की मेरी हैसियत नहीं है, तो वो आदमी उसी में निमट जाएगा। जेब में पैसा हो या ना हो, इंसान की ख्वाब हमेशा ऊँचा होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में भी उस हिसाब से। और संगत करो अच्छे आदमी से, जिसके अच्छे ताल्लुक हो, जिसे कुछ सीखने के लिए मिले, ऐसे आदमी से दूर रहो कि जो पहले से बर्बाद है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि इस वीडियो में इतना शेयर नहीं कर पाऊंगा कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं आप लोगों की ज़्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो या किसी हिस्टोरिकल पैलेस को जब टारगेट करूँगा तो बहुत सी ऐसी बात है कि उस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और बहुत जल्द अभी हमारा नेपाल का टूर स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को फिलहाल हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को हम एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। क्या कहते हैं भाई? चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।